चावल को बेच के शराब पी लेते हैं। पत्नी गर्भ होती उनको मारना पीटना करना, बेटी पढ़ नहीं पा रही है, गरीबी का जो मेन कारण भी है हमारे यहाँ। दोस्तों छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशी का कोई ठिकाना न रहा, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गौरव का कोई ठिकाना न रहा, जब छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से आने वाली फूलबासन यादव ने कौन बनेगा करोड़पति, जो कि एकदम हिंदुस्तान का, हमारे देश का सबसे फेमस शो है कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के हर सवालों का बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया और अमिताभ बच्चन को अचंभित भी कर दिया। और यही नहीं, उनके साथ बैठी जो अभिनेत्री थी रेणुका सहाणे, उन्हें भी अचंभा में डाल के रख दिया। के कारण है, शराब के कारण। महिला स्वयं सहायता समूह की वो महिला है जो एकदम तेज रफ्तार से बोलने वाली है, चलने वाली है। और हर छत्तीसगढ़ियों को बम्पर खुशी तब मिल गई जब फूलबासन यादव ने रिकॉर्ड तोड़ 50 लाख रुपए कमाए। और ये बात पैसे की नहीं है, बात उसकी है कि कौन बनेगा करोड़पति का जो एक सीजन होता है, जो एक पार्ट होता है करमवीर कार्यक्रम, उसमें बहुत ही महान लोगों को बुलाया जाता है। उसमें सबसे ज्यादा सही जवाब फूलबासन यादव ने दिए और 50 लाख रुपए जीते। इसके पहले कोई भी करमवीर प्रोग्राम में 50 लाख नहीं जीता था। इसलिए ये कहना थोड़ा सा भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि फूलबासन यादव के कारण छत्तीसगढ़ियों का गौरव सातवें आसमान पर पहुंच गया है। थोड़े समय के लिए मानिए कि केबीसी का जो सेट है वो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ी रंग में रंग गया, क्योंकि फूलबासन यादव ने पहले छत्तीसगढ़ी में ही अपनी बातचीत की शुरुआत की। और जब फूलबासन यादव से पूछा गया कि आप गुलाबी साड़ी क्यों पहनती हैं, तो उन्होंने कहा कि जो गुलाब होता है वो कांटों से लिपटा होता है। उसी तरह किसी महिला का जो जीवन होता है वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक संघर्ष से भरा होता है। इसीलिए उनके समूह की सारी महिलाएं गुलाबी साड़ी ही पहनती है। जब फूलबासन यादव ने बताया कि माँ बम्लेश्वरी समूह के द्वारा उन्होंने 2 लाख महिलाओं को स्वरोजगार जोड़ा है, तो अमिताभ बच्चन की बोलती बंद हो गई। और उसके बाद जब फूलबासन ने बोलना शुरू किया और उन्होंने कहा कि सर मुझे गाड़ी बंगला में उतना मजा नहीं आता जितने अपने काम में मजा आता है, इस चीज से अमिताभ बच्चन एकदम भौचक्के रह गए और इस शब्द को उन्होंने अपने दिमाग में पूरी तरह से उतार लिया। एक समय के लिए ऐसा लगा जैसे अमिताभ बच्चन केवल फूलबासन को ही सुनेंगे और उनको ही सुनते रहेंगे। और इसके बाद जो हुआ, इसे सुनकर हर छत्तीसगढ़िया गर्व से अपना सर को ऊंचा कर लेगा। तो किस्सा यह हुआ कि फूलबासन ने जब अमिताभ बच्चन से बातचीत करने के लिए सर बोला तो अमिताभ बच्चन ने रोक दिया। रोक कर बोला कि आप सर नहीं, आप मुझे भैया कहिए। तब फूलबासन ने उन्हें भैया कहकर ही आगे सारी बातचीत की। ये बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक मंजर था केबीसी के सेट पर। जब उनका केबीसी शो को खेलते वक्त 50 लाख का सवाल आया, तब उनसे एक पर्यावरणविद के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सीधे जवाब किंकरी देवी दिया। इससे 50 लाख तो जीत गई और इससे उनकी सामान्य ज्ञान की भी सभी लोगों ने लोहा माना। तो दोस्तों ये माना जा सकता है कि उस दिन केबीसी में केवल फूलबासन यादव की जीत नहीं थी, केबीसी में फूलबासन के साथ वो हर महिला की जीत थी जो छोटे छोटे गांवों से आती है, जो एक समान स्कूल में पढ़ाई करती है और समान स्कूल में पढ़ के भी वो काम कर देती है जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। एक केबीसी एक प्रेरणा का उदाहरण है, एक प्रेरणा स्रोत है जिसकी सीख सभी से लेनी चाहिए और जिससे सबको प्रेरित होना चाहिए। तो दोस्तों आप मेरी बातों से कहाँ तक सहमत है आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याण और एक प्रेरणा स्रोत विचारों के साथ।